टीकाकरण अभियान के तहत अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए गुरुवार को जिला अस्पताल सहित कुल 143 केंद्रों पर 31,202 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 29,602 और सेकेंड डोज लेने वालों में 1,600 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिले में 2 अभिभावक स्पेशल तथा 2 महिला स्पेशल बूथ और 1 दिव्यांग स्पेशल बूथ बनाया गया है, जिसमें वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। नगर निगम में 1 बूथ पर ठेला खुमचा वालों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके अलावा 7 ब्लॉकों पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। सीएमओ ने कहा कि टीकाकरण के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग बढ़ चढ़कर टीकाकरण करा रहे हैं। सीएमओ ने बताया कि गुरुवार को विकासखंड बेलघाट में 2,882, पिपराइज में 2,331, ब्रह्मपुर में 2,443, खजनी में 2,716, चंगल कौड़िया में 2,937, कैंपियरगंज में 2,575 और पाली ब्लॉक में 2,302 लोगों ने कोविड का टीका लगवाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीका लगवाने वाले एमके श्रीवास्तव, डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी, नितिन व सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे और सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा। एम जे श्रीवास्तव, मैं गोरखनाथ से आया हूँ। मैं रिटायर्ड पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर हूँ और मेरा पहला डोज जो है 31 मार्च को लगा था। आज मैं सेकंड डोज लगवाने आया था और मुझे कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक ठाक है और डोज मेरा लग गया है। और ये बहुत ही नेक काम कर रही है सरकार। जैसे मान लीजिए जो आदमी गरीब तबके के लोग हैं, इस वजह से नहीं लगवा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए सरकार का इसके लिए मैं बहुत बहुत मतलब प्रशंसा करता हूं, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी, योगी आदित्यनाथ की भी। रातिनगर से आज वैक्सीनेशन हो गया, आपका क्या अच्छा लगा? मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी है।
सर आज वैक्सीनेशन हो गया है, किस तरह दिक्कत की परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, वैक्सीनेशन हो गया है। सरकार निःशुल्क वैक्सीन करा रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, सरकार ये बहुत अच्छा काम करवा रही है, इसमें जनता को जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के अपने टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे जो है वो कोविड की बीमारी से बच सकें। बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बाकी लोगों से यही है कि बिल्कुल ध्यान दें, ये निःशुल्क जो टीकाकरण लग रहा है ये उनके लिए बड़े फ़ायदे की चीज़ है, और वो आवें और टीकाकरण लगवा करवाएं। मेरा नाम नितिन, मैं गोरखनाथ से हूँ। फिलहाल आज वैक्सीनेशन हुआ होगा? फिलहाल तो अभी कोई लंबी लाइन लगी है, उसके लिए मैंने नंबर वैक्सीनेशन का वो कराया हुआ था, रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, बस उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल रजिस्ट्रेशन होने के बाद वैक्सीनेशन बहुत जल्दी हो गया। गवर्नमेंट वैक्सीनेशन करा रही, क्या कहेंगे? ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छे से काम हो रहा है यहाँ पे। बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बाकी लोगों से यही कहूँगा कि वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, वैक्सीनेशन ही इस बीमारी की एक जो है ख़त्म करने का एक जरिया है, तो इसलिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, ये सबसे अपील है मेरी। आज हमारे ज़िले में 143 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, उसमें से स्पेशल हमारा महिला स्पेशल बूथ दो जगह चल रहा है, एक दिव्यांग स्पेशल बूथ चल रहा है आरसी में चल रहा है, आरसी में, और नगर निगम में हमारा बूथ चल रहा है, और हमारा अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहा है। इस तरह से हमारा 143 जगहों में वैक्सीनेशन चल रहा है। पिछले 3 दिनों से हम वैक्सीनेशन में प्रदेश में नंबर 1 रहे हैं। 28,000 से लेकर के 29,000 तक हमारा वैक्सीनेशन हुआ है पर डे का। आज भी हमारा इसी के इर्द गिर्द 30,000 का लक्ष्य हम रखे हुए हैं। ऐसे तो सरकार ने हमें 20,000 का वैक्सीनेशन के लिए दिया है, लेकिन हम उससे बियॉन्ड वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम सभी लोगों को वैक्सीनेशन कर दें। जो भी वैक्सीनेशन है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है, और आज जो वैक्सीनेशन की फिगर 6 बजे तक की, तो वो 30,000 क्रॉस कर चुकी है गोरखपुर में। और पिछले मंडे से जब से ये अभियान शुरू हुआ, जो हमें लखनऊ के द्वारा शासन द्वारा टारगेट दिया गया था 20,000, तो हमने मंडे को जो 26,000 से ऊपर किया था, फिर ट्यूसडे को हमारा 29,000 से ऊपर गया था, कल भी हमारा 26,000 टच किया था, और आज शाम के 6 बजे तक ही हम लोग 30,000 टच कर चुके हैं। तो ये हम लोग जो इसको पूरा पूर्ण कर रहे हैं, आने वाले समय में 1 जुलाई से ये पूरे गोरखपुर में ग्रामीण क्षेत्र में पूरा अभियान चला के वैक्सीनेशन कराएंगे। सर, यूपी में क्या देखा जाए कि गोरखपुर में कितना असर है और क्या स्थान है? गोरखपुर जो है, जो हमारा जो टारगेट था, परसों हम लोग नंबर 1 पे थे, और कल जो था हमने टारगेट से 5,000 ज़्यादा किया था, और आज उम्मीद है कि हम लोग पूरे यूपी में हम नंबर 1 पे रहे, उम्मीद है। सर, अभी भी इतना वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी डरे हुए हैं, क्या कहेंगे? हम लोग जो भी ऐसे लोग आ रहे हैं जो नहीं करा रहे वैक्सीनेशन, तो उनसे हम खुद पर्सनल कॉन्टैक्ट करके उनको जो इसके सही चीज़ें बता के मोटिवेट करके मोबिलाइज करके लगा रहे हैं। जैसे कई जगह हमें रेजिस्टेंस मिलता है, तो हमारी टीम जाती है, जिसमें युवक मंगल दल है, निगरानी समिति है, नेहरू युवा केंद्र के लोग हैं, प्रधान जी हैं, और जो हमारे ब्लॉक के कर्मचारी हैं, जाके उनको पूरा समझा के और उनकी विलिंगनेस लेके वैक्सीनेशन करा रहे हैं। हम छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, सबको वैक्सीनेट करेंगे, और बिल्कुल सरकार की तरफ से निःशुल्क वैक्सीनेशन कराई जा रही है, और पूरे दिन एक प्लान कोऑर्डिनेटेड वे से काम, पूरा सप्लाई चेन मेंटेन करते हुए वैक्सीन की ये अभियान पूरा किया जाता है।